हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे साइटिका के दर्द के बारे में कि साइटिका का दर्द क्यों होता है और साथ ही साथ जानेंगे कि साइटिका के पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही जानेंगे कि डॉक्टर द्वारा साइटिका के दर्द में क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जानेंगे ये सभी बातें आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, साइटिका का दर्द जो होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर कमर में एक साइटिक नर्व होती है, उसके डैमेज होने की वजह से जो साइटिक नर्व होती है उस पर दबाव या फिर किसी भी कारण से डैमेज हो जाती है, तो उस कारण से साइटिका का दर्द व्यक्ति को होता है। साइटिका नर्व जो कि रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर पैरों के पंजों तक जाती है और ये शरीर की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे लंबी नर्व होती है और इसमें ही डैमेज होने की वजह से साइटिका का दर्द व्यक्ति को होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि साइटिका का दर्द किन किन कारणों से व्यक्ति को हो सकता है। तो फ्रेंड्स, साइटिका का दर्द जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर डिस्क होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है, उसके खिसक जाने की वजह से यानी कि डिस्क स्लिप हो जाने की वजह से, जैसे कि डिस्क किन किन कारणों से स्लिप हो सकती है, जैसे कि ज्यादा वजन उठाने से या फिर किसी इंजुरी की वजह से भी डिस्क स्लिप हो सकती है, उसकी वजह से जो साइटिक नर्व होती है उसमें दबाव पड़ जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को साइटिका का दर्द होने लगता है। इसी के साथ साथ जो व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं उन व्यक्तियों में साइटिका का दर्द हो सकता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो जाने की वजह से भी साइटिका का दर्द हो सकता है और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में चोट लगने की वजह से भी साइटिका का दर्द हो सकता है। लेकिन कई बार इंजुरी बहुत ज्यादा हो जाती है और जो साइटिक नर्व है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से उस व्यक्ति के दोनों पैर काम करना बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि जो जिस व्यक्ति को साइटिका का दर्द होता है उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को साइटिका का दर्द होता है उसे लोअर बैक से लेकर नीचे पैर के पंजों तक झंझनाहट, सुनपन, इस तरह की समस्या महसूस हो सकती है और साथ ही साथ उसको कई बार चलने फिरने में परेशानी रहती है और साइटिका का दर्द पेशेंट को रात के वक्त बहुत ज्यादा महसूस होता है। इसके अलावा पेशेंट के कुल्ले में भी दर्द हो सकता है और जो कमर का निचले वाला हिस्सा है उसमें भी बहुत ज्यादा पेन रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि जिस व्यक्ति को साइटिका का दर्द होता है उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को साइटिका का दर्द होता है उस व्यक्ति को तख्त पर लेटना चाहिए या फिर जमीन पर कपड़ा बिछाकर लेटना चाहिए। शुरुआती के समय में उस व्यक्ति को कमर में और भी ज्यादा पेन फील हो सकता है। जब वो फर्स्ट बार जमीन पर लेटेगा या फिर तख्त पर लेटेगा तो उसको ज्यादा दर्द फील हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ जिस व्यक्ति को साइटिका का दर्द होता है उसे ज्यादा वजन बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए और झुककर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, और यदि उस व्यक्ति को कोई अदर कॉम्प्लिकेशन है तो उसका ट्रीटमेंट हाथों हाथ पहले कराना चाहिए। इसके अलावा जिस व्यक्ति को साइटिका का दर्द रहता है उसका पेट प्रॉपर डेली साफ रहना चाहिए और उस व्यक्ति को पैरों की मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई पेन किलर ऑइंटमेंट लगाता है कोई भी व्यक्ति तो उसको, जैसे कि ओमली जेल लगाता है तो उसको केवल लगाकर छोड़ देना चाहिए, उसकी मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मालिश करने से पैरों का दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि साइटिका के दर्द में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है जिससे साइटिका का दर्द ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक तो पेन किलर दी जाती है, पेन किलर के रूप में पेशेंट को कोई भी डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन की टैबलेट दी जा सकती है या फिर डाइक्लोफेनेक एसआर टैबलेट जो आती है, जैसे कि वोविरान एसआर नाम से आती है, ये केवल दिन में एक बार दी जाती है, और डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन की टैबलेट दिन में दो बार दी जा सकती है। इसके अलावा यदि कई बार पेशेंट को असहनीय दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन पेशेंट को आईएम यानी कि कुल्ले पर लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को नर्व रिपेयर करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। टैबलेट फॉर्म की बात करें तो टैबलेट के रूप में पेशेंट को न्यूरोबियन फोर्ट की एक टैबलेट सुबह शाम दी जाती है, और यदि इंजेक्टेबल की बात करें तो इसमें पेशेंट को न्यूरोबियन फोर्ट का इंजेक्शन एक दिन छोड़कर कंटिन्यू लगाना चाहिए। और इसी के साथ साथ पेशेंट को कई बार इंफ्लामेशन कम करने के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिया जाता है, जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोल की टैबलेट, 16 mg की टैबलेट दिन में केवल एक बार 2 सप्ताह तक दी जाती है, और 2 सप्ताह के बाद मिथाइल प्रेडनिसोलोन 16 mg की टैबलेट को बंद कर देना चाहिए जिससे इन्फ्लामेशन जल्दी ही कम हो जाती है, और बाकी ट्रीटमेंट सेम कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन कई बार ये ट्रीटमेंट देने से पेशेंट को आराम नहीं आता तो उसके लिए पेशेंट को हायर सेंटर रेफर कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था साइटिका का ट्रीटमेंट।
होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।